चलिए इस वीडियो लेक्चर में जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो एक तो करेंगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और दूसरा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दोनों एक ही हैं, एक ही टॉपिक है, इनके नाम अलग अलग हैं। और दूसरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ अ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कूलम्ब फोर्स, यानी किसी मीडियम का किसी इलेक्ट्रिकल फोर्स पे यानी कूलम्ब फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आज हम ये भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ हरित। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो टॉपिक है फिर बच्चों वो है, ध्यान से देखिए, हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर बच्चों क्या है टॉपिक? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम जो कवर करेंगे यानी इस टॉपिक को हम जो एक तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे उसको आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए क्या लिखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। फिर बच्चों ध्यान रखना, कई बार इस टॉपिक को आप किसी बुक में या किसी अलग अलग बुक में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, जिसे हम लिख सकते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। फिर बच्चों परमिटिविटी, और इसको एक्स लाइन टार से हम डिनोट करते हैं। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, मैंने यहाँ और लिखा है, मतलब ये है कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी कैपिटल के और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यानी एक्स लाइन आर, दोनों एक ही चीज है। सिंबल अलग अलग होने से ये नहीं कि दोनों अलग अलग, पर बच्चों दोनों एक ही है। आप ओवरऑल हम यहाँ पे बात कह सकते हैं कि आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कह सकते हैं, जिसे आप कैपिटल के से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर एप्सिलॉन आर से भी डिनोट कर सकते हैं। एप्सिलॉन बोलते हैं बच्चों इसको, आर का मतलब यहाँ पे है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या फिर कैपिटल के बोलो जिसे हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ये टॉपिक एक ही है मेरे बच्चों, आप इसको ध्यान से समझते हैं मेरे बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चों सपोज कीजिए आपके पास कोई मीडियम है, मैंने एक रीजन लिया, ठीक है, एक मीडियम, एक रीजन है। तो बच्चों ये क्या है, हमने एक रीजन लिया, ठीक है, यानी एक स्पेस लिया, एक एरिया कवर किया ये, और इस एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर कोई मीडियम भरा हुआ है। कोई भी मीडियम हो सकता है मेरे बच्चों, कोई भी मीडियम हो सकता है। अब इस मीडियम के अंदर से ये मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने दे रहा है या कितनी इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये पास करने दे रहा है या कितने इलेक्ट्रिकल फोर्स को ये पास करने दे रहा है, आप यहां पे कह सकते हैं कि इस मीडियम के अंदर इस रीजन में जो मीडियम डाल रखा है हमने, हो सकता है एयर हो सकता है इसमें वाटर हो सकता है इसमें ग्लास हो सकता है किसी अदर टाइप का इसमें और मीडियम है, और इसमें हमने इलेक्ट्रिक इफेक्ट अप्लाई कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें अप्लाई कराई, तो प्यारे बच्चों ये मीडियम उस इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्ट को अपने में से कितना पास होने देगा, प्यारे बच्चों कितना पास होने देगा, यही क्या कहलाती है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो हर मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके तहत वो मीडियम अपने में से किस चीज को पास होने देता है। तो आप इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखें तो प्यारे बच्चों क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन, तो आप कह सकते हैं द प्रॉपर्टी और एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू परमिट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। बच्चों इसी को कहते हैं इस कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, या फिर मैंने आपको बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं बोलो तो आप इसको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कह सकते हैं। अब आप इसको ध्यान से समझिए, देखो क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी और एबिलिटी ऑफ अ मीडियम, यानी एक मीडियम की वो प्रॉपर्टी, वो गुण या वो एबिलिटी, वो योग्यता जिसमें वो जो मीडियम है वो अपने में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अपने में से पास होने दे रहा है, ठीक है, अपने में से पास होने दे रहा है, एक्चुअल में इसे ही डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं मेरे बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। मैंने बताया रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि नहीं, एक मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो वो मीडियम अपने में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अपने में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने में से इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो पास होने की योग्यता यानी एबिलिटी रखता हो, एक्चुअल में वही आपके पास उस मीडियम की वही जो प्रॉपर्टी या एबिलिटी जो है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहा जाता है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके पास ये एप्सिलॉन आर या के, एक ही बात है, हम ले सकते हैं। आप अगर मैं एप्सिलॉन आर को लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, आप ध्यान से देखो मैंने ये क्या लिखा,
फिर बच्चों मैंने जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है उसका फॉर्मूला लिखा, उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखा, क्या लिखा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको समझना है कि जो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए जो एप्सिलॉन एम है इसको आप क्या बोलते हैं, आप इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन अ मीडियम, इन अ मीडियम यानी एप्सिलॉन टर्म क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन अ मीडियम यानी किसी मीडियम की ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। फिर बच्चों इसने क्या कहा, इसने कहा एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना यहाँ पे, किसी भी एप्सिलॉन के नीचे अगर नॉट आ गया यानी जीरो आ गई तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम यानी एयर और वैक्यूम यानी इस मीडियम में या तो एयर भरा है या वैक्यूम भरा है। अगर एयर और वैक्यूम है तो इस मीडियम को, इस मीडियम को कैसे लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। अगर एयर और वैक्यूम को छोड़ दें, मान लो इसमें एयर और वैक्यूम नहीं है कोई और मीडियम है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन एम यूज करेंगे। ठीक है, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है बच्चों कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एब्सोल्यूट, ये भी बोला जाता है इसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। बच्चों ध्यान रखना है इसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहां अगर हम देखें, देखो अगर हम यहां देखें तो ये जो डेफिनेशन आपको दिख रही है एक्चुअल में इसको हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीनिंग, सिग्निफिकेंट मीनिंग। यार बच्चों ये जो डेफिनेशन आपको दिख रही है एक्चुअल में ये सिग्निफिकेंट मीनिंग है यानी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का, ये सिग्निफिकेंट मीनिंग है। सिग्निफिकेंट मीनिंग का मतलब होता है एक अर्थ निकलना, किसी चीज को फील करना। अब हम इसको फील कर पा रहे हैं कि भाई एक कोई मीडियम जो होता है ना उसकी वो एबिलिटी जिसके तहत वो मीडियम जो है अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या इलेक्ट्रिकल फोर्स को पास होने दे, तो एक्चुअल में उसी को बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये सिग्निफिकेंट मीनिंग, लेकिन एक्चुअल में अगर हम मैथमेटिकली डेफिनेशन दें तो बच्चों मैंने अभी क्या बताया कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी एप्सिलॉन आर को आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन टाइम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलें, देखो आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो एक्चुअल में इसको कैसे लिखा, कैसे बोला जा सकता है, तो एक्चुअल में इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो आप ऐसे भी तो दे सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे देंगे, देखिए ऐसे बोलेंगे, आप कह सकते हैं सिंपल सी बात है, आप ऊपर क्या देख रहे हो एप्सिलॉन टाइम है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ऑफ अ मीडियम पर यूनिट, पर यूनिट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, फिर बच्चों इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रिलेटिव, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी। फिर बच्चों इसको ये कहा जा सकता है। अब आप ध्यान से देखिए कि हमने क्या किया है, हमने एप्सिलॉन आर को मैथमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश की है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से, बोला इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम पर यूनिट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यानी देखो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं ना इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम पर यूनिट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मतलब किसी मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है और अपॉन है आपका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है बच्चों, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब आप ध्यान से समझिए, एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, एक्चुअल में ये जो एप्सिलॉन आर जिसे आप बोल रहे हो, जिसे आप के भी कह सकते हो, इसे एक्चुअल में ये भी कहा जा सकता है एस आई सी भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है, एस आई सी। देखिए ये जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है इसको आप एस आई सी, मतलब एस आई सी मतलब होता है बच्चों स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इंडक्टिव, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, कैपेसिटी। फिर बच्चों इसको ये भी कहा जा सकता है, ध्यान रखें मैंने क्या कहा, एस आई सी मतलब एप्सिलॉन आर और के को क्या कहा जा सकता है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। इसका मतलब है कि ये एक स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी यानी किसी मीडियम की एक इंडक्टिव कैपेसिटी है जो कि स्पेसिफिक है। आप सिंपल सी मान लीजिए स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ये कोई मीडियम है जिसकी ये प्रॉपर्टी, जिसे हम एप्सिलॉन आर और के भी कह सकते हैं। आप सिंपल सी बात है आप एप्सिलॉन आर को या के को एक ही बात है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कह सकते हैं, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं, और एक नया नाम और मिल गया हमें स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप ध्यान से देखिए अगर हम यहां एनालाइज करें तो जो ये आपके पास एप्सिलॉन आर या के है यानी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ये पहले जो डिपेंड किस पे करता है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डिपेंड किस पे करता है,
ये देखिए डिपेंड किस पे करता है, जो के और एप्सिलॉन आर है इसकी प्यारे बच्चों हर मीडियम के लिए इसकी अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे प्यारे बच्चों हमने कहा कि भाई एयर है और वैक्यूम है आपके पास, देखो इस रीजन के अंदर कोई भी मीडियम हो सकता है, हो सकता है एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट मीडियम इसमें हो सकते हैं, सबकी अपनी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू जो है अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं एप्सिलॉन आर और जो के है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ, हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ या मीडिया, ये नेचर ऑफ मीडिया पे डिपेंड करता है। मतलब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स हैं उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मीडियम पे डिपेंड इसलिए करता है अगर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है तो उसकी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। जैसे कि टेबल देख लेते हैं हम, जैसे हमारे पास एक टेबल हम ले लेते हैं यहाँ पे, जो ये टेबल है हमारे पास, ठीक है, इस टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल में हम क्या ले रहे हैं, मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है, मीडियम ले रहे हैं। फिर बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये कोई मीडियम है और ये इसकी के या फिर हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू है, ठीक है। अब देखते रहिए इसको ध्यान से, अब देखो मैंने कहा ना कि एप्सिलॉन आर और के की वैल्यू जो है अलग अलग मीडियम पर डिपेंड करती है। अब इसकी ये जो एप्सिलॉन आर और जो के है ये क्या है, ये इस पर भी डिपेंड करता है आपका, ठीक है। मतलब नेचर में हमारे पास कितने मीडियम है उनकी सबकी के की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है, तो इसी पे डिपेंड करती है की वैल्यू। आप देखो मीडियम मान लीजिए, आप सपोज करें आपके पास मीडियम है वैक्यूम, यानी कहीं पे अगर एयर नहीं है तो उसे वैक्यूम कहते हैं, तो वहां पे के की वैल्यू कितनी होगी, 1.0000, मेरे पीछे देखो 1 ही हो गए, ठीक है। तो वैक्यूम की डायलेक्ट्रिक जो वैल्यू, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैल्यू है वो इतनी मानी जाती है। अब एयर की बात करते हैं, अब एयर की वैल्यू होती है 1.0006 होती है, ठीक है फिर पूछो। ओके अगर हम बात करें हाइड्रोजन की फिर पूछो, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की होती है 1.00026, ठीक है। ये देखो अलग अलग मीडियम है तो इनकी के की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अलग अलग आ रहा है फिर बच्चों, है ना। आपके पास मान लो फिर बच्चों ग्लास है, ठीक है, ग्लास है तो ग्लास की होती है 5 और 10 के बीच में ग्लास की के की वैल्यू होती है। इसके अलावा फिर बच्चों अगर हम वोटर, ठीक है ना, वोटर ले तो वोटर की डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फिर बच्चों कितनी होती है, 81 क्या होती है, 81 क्या होती है फिर बच्चों, 81 और कई जगह आपको 80 भी मिल जाती है, तो 80 या 81 तो हम 80 ले लेते हैं, ठीक है, 80। इसके अलावा फिर बच्चों अगर मेटल्स हो, ठीक है, कोई मेटल या कंडक्टर्स, ठीक है, या तो कोई कंडक्टर है या मेटल्स है, आप कह सकते हैं कंडक्टर्स, कंडक्टर या फिर मेटल है तो उसकी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट होती है। अब देखो ये आप देख लो, आप डिफरेंट मटेरियल है तो के की वैल्यू भी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडिया, किस तरह का मीडियम उस पर डिपेंड करती है। अब कुछ बेसिक्स चीजें ये हैं यहाँ पे जो कि समझने वाली है कि जो एप्सिलॉन आर या के है इसकी ना तो कोई यूनिट होती है, नो यूनिट्स और नो एनी या नो डायमेंशनल फॉर्मूला। आप ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा है कि ना तो इसकी कोई यूनिट होती है, यानी ना तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की यूनिट होती है और ना ही कोई इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। कारण क्या है, अब आप खुद देखिए इसका फॉर्मूला होता है ये, एप्सिलॉन एम की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट का भी सेम ही होता है, तो ये दोनों तो आप दोनों के फॉर्मूले मान लो डायमेंशन फॉर्मूला इसका कुछ आया दोनों का सेम आएगा तो कट जाएगा, तो एप्सिलॉन आर का डायमेंशन फॉर्मूला तो रहेगा नहीं, तो एप्सिलॉन आर जो है यानी के जो है इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, कोई यूनिट नहीं बनेगी, ये यूनिट लेस है और डायमेंशनल लेस है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी कि क्या होती है एक्चुअल में डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्या होता है आपके पास इसकी वैल्यूज किस पे डिपेंड करती है, क्या इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला होता है, क्या इसको SIC कहते हैं मतलब स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी कहते हैं, क्या इसका स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट मीनिंग क्या है, ठीक है, ये स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट मीनिंग है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, इसकी एक्चुअल मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम, ये सब मैंने इसमें देखा है। आप इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके इसके जो PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो इसको देखते रहिए आप करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है कौन सा, ये वाला टॉपिक है, ध्यान से देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है इफेक्ट ऑफ अ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, अभी रिसेंटली हमने जो टॉपिक कराया वो आपने अभी दिखाई है, अब हमारे पास उसी के बेस पर एक नया टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ अ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर बच्चों जो कूलम्ब फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस पर किसी मीडियम का कैसे इफेक्ट पड़ता है, यानी अलग अलग मीडियम में कूलम्ब फोर्स अलग अलग लगेगा या सेम ही लगेगा, क्या उसकी वैल्यू चेंज होगी, क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, यही हम इसमें देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देखिए हम सबसे पहले तो कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं कि लेट लेट टू चार्जेस
टू टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू, क्यू वन एंड क्यू टू सेपरेटेड सेपरेटेड बाई बाई सेपरेटेड बाई आर डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, आर डिस्टेंस। तो हमने यहां पे क्या किया है बच्चों, हमने क्या किया है, मान लो आपके पास दो चार्जेस है Q1 और Q2 और उनको हमने सेपरेट कर दिया है R डिस्टेंस से। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास एक Q1 चार्जेस है ये और एक Q चार्ज है ये, और इसको सेपरेट कर दिया R डिस्टेंस से, ठीक है। तो फिर बच्चों स्वाभाविक है, ये जो आपको पता है कि जब दो चार्ज को किसी मीडियम में रखेंगे R डिस्टेंस के साथ, तो उनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इनके बीच में इंट्रैक्शन होगी, यानी एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। तो इनके बीच में ना फोर्स लगेगा, तो लगेगा कि नहीं लगेगा। अब हम पहले तो ये देखना चाहते हैं कि जो दो ये चार्जेस हैं, जो ये दो चार्जेस आपस में एक दूसरे से दूर रखे हुए, मतलब एक R डिस्टेंस पे रखे हुए, तो इनके बीच में मीडियम्स क्या है, इनके बीच में मीडियम्स क्या है। तो मैं मान लेता हूं बच्चों इसमें मीडियम है, ठीक है। हम कह सकते हैं दे आर इन इन एनी मीडियम, एनी मीडियम एम, ठीक है, मतलब एनी मीडियम। आप ये मान लो दे आर इन एनी मीडियम, मतलब ये किसी मीडियम में, किसी मीडियम में, मान लीजिए ये किसी मीडियम है, ठीक है, इनके बीच में कोई मीडियम है। अब वो स्पेसिफिक हम किसी मीडियम का नाम नहीं ले रहे, तो हम ये समझ रहे हैं कि एयर और वैक्यूम को छोड़ दो, बाकी ये किसी मीडियम में है, ठीक है। तो बच्चों इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम एफ एम कह सकते हैं, एफ एम, एफ एम का मतलब बच्चों है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इन मीडियम, यानी दो चार्जेस जो है इनके बीच में कोई मीडियम है, कोई मीडियम है, और वो जो मीडियम है वो एयर और वैक्यूम को छोड़ दो आप, इसके अलावा कोई दूसरा मीडियम होगा, तो इनके बीच में कूलम फोर्स क्या लगेगा बच्चों, यही लगेगा वन अपॉन फोर पाई, वन अपॉन फोर पाई बच्चों यहां लिखा जाएगा एप्सिलॉन टेन बच्चों, ये एप्सिलॉन टाइम हो गया। अच्छा ये हो गया Q1 का मैग्नीट्यूड और यहाँ होता है Q2 का मैग्नीट्यूड और अपॉन आता है आर स्क्वायर, यही होता है कूलम्ब फोर्स। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों, यही होता है ना कूलम्ब फोर्स, आपको समझ में आया, ये कूलम्ब फोर्स होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एप्सिलॉन टाइम है, ये एप्सिलॉन टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, यानी किसी मीडियम की ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यानी किसी मीडियम में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। अब ये एप्सिलॉन टाइम क्यों यूज किया गया है, यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट अक्सर यूज करते हैं जब भी कूलम्ब फोर्स पढ़ते हैं, कूलम्ब लॉ पढ़ते हैं। ये मीडियम इसलिए है क्योंकि इन दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम मान रखा है हमने मान रखा है कि ये चार्ज किसमें है, किसी मीडियम में है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन एम हमने यूज किया है क्योंकि ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। अब हम ये मान लेते हैं नाउ, अब हमने इन सेम चार्जेस को, यानी क्यू वन चार्ज है और वही डिस्टेंस है, वही चार्जेस है हमारे पास, और इनके बीच में फोर्स लग रहा है, बट ये एफ नॉट फोर्स है। क्यों, क्योंकि यही इस चार्ज को हमने कहां रख दिया, इस चार्ज को हमने कहां रख दिया, दे आर नाउ, हम कह सकते हैं नाउ दे आर इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। अब मान के चलो कि ये जो आपके पास दो चार्जेस थे ऊपर वाले, अब उनको हमने एयर और वैक्यूम में रख दिया, मतलब इनके बीच में मीडियम क्या आ गया, एयर या वैक्यूम, या तो एयर होगा इनके बीच में या वैक्यूम होगा। तो हमारे पास जो फोर्स होगा, अब यहाँ पे एफ नोट क्यों किया, यहाँ पे एफ नोट इसलिए किया क्योंकि हमारे पास ये जो दो फोर्सेज है वो किसी एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है। तो एफ नोट यूज करते हैं जब कोई भी दो चार्जेस एयर और वैक्यूम में होते हैं। एफ नोट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अब की बार हमारे पास दो चार्जेस जो है एयर और वैक्यूम में रखे गए, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज करते हैं, या तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन अ एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो और यहाँ पे लिखेंगे Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड और अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चों क्या होगा, इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो ये दो चार्जेस किसी दूसरे किसी मीडियम में रखे हुए हैं, और ये वही दो चार्जेस वही डिस्टेंस हम एयर और वैक्यूम में रख दिया इन चार्जेस को, तो फोर्स हमारे पास ये आया, एक ही आया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन आपकी बच्चों इक्वेशन जो आपके पास सेकंड है, सेकंड डिवाइडेड डिवाइडेड बाई इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास हो गया एफ नोट अपॉन एफ एफ, ठीक है मेरे बच्चों, ये आ गया। अब एफ नोट को यानी इसको हम क्या लेंगे, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट और क्यू वन का मैग्नीट्यूड, फिर बच्चों क्यू टू का मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्योंकि एफ एम की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये है, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन एम आ जाएगा और क्यू वन का मैग्नीट्यूड, क्यू टू का मैग्नीट्यूड, और फिर बच्चों ये आ जाएगा आर स्क्वायर। अब आप खुद देखिए, वन अपॉन फोर पाई ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे, सॉरी एप्सिलॉन एम तो चला गया ऊपर और एप्सिलॉन नॉट आ गया नीचे, ठीक है। आप देखो, अब ध्यान से अब देखो, ये आ गया एफ नोट बाई एफ एम, यानी यहां बचा हमारे पास एप्सिलॉन टाइम अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब यहां पे एक सोचने वाली बात है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले में प्रीवियसली हमने एक एक हमने टॉपिक पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
अब उसमें हमने पढ़ा था कि जो एप्सिलॉन आर है वो किसकी इक्विवेलेंट होती है, एप्सिलॉन टाइम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इक्विवेलेंट होती है। यही तो पढ़ गया है, ये देखो एप्सिलॉन टाइम और एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ नॉट बाई एफ एम जो है उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं मेरे बच्चों, के बराबर लिख सकते हैं। के मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, अब एक ही बात है ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं एफ एम को इधर ले आऊं और इसको ले, एफ एम को उधर ले जाऊं और के को इसके नीचे लेके जाऊं, तो एफ एम किसके इक्विवेलेंट हो गया, एफ नॉट बाई के। मेरे बच्चों ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, तो एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के। अब इससे आपको एक कंक्लूजन निकला, क्या जो एफ एम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वन बाई के, ठीक है, वन बाई के। अब ध्यान से देखो, यहां पे अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसने क्या कहा था ऊपर टॉपिक में, कहा था कि इफेक्ट ऑफ अ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो उस पर किसी मीडियम का इफेक्ट पड़ता है, पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अब ध्यान से देखिए, ये कहता है अगर के की वैल्यू इंक्रीज होगी, इससे क्या कंक्लूजन निकला, यही निकला कि इफ वैल्यू ऑफ के इंक्रीज्ड, इफ वैल्यू ऑफ के इंक्रीज्ड, देन देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज्ड। अब ये बात बहुत बड़ी है, इसने कहा इफ वैल्यू ऑफ के इज इंक्रीज्ड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज, मतलब अगर के की वैल्यू आपके पास इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो घटेगा मीडियम में, मतलब घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब अगर मान लो, सपोज करो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि अगर के की वैल्यू इंक्रीज होगी, मेरे बच्चों इसका ऊपर का मतलब इंक्रीज होगी, तो एफ की वैल्यू जो है डिक्रीज होगी, राइट। और अगर हम कहें के की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो एफ की वैल्यू मेरे बच्चों क्या होगी, एफ की वैल्यू इंक्रीज होगी, यही है ना बात, यही आपको दिख रहा है ना, के की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी एफ एम की वैल्यू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू घटेगी, और के की वैल्यू जैसे ही घटेगी, के की वैल्यू जैसे ही घटेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। अब आप सोच के देखिए, अब आप एक एग्जांपल सोच के देखिए, मैं जैसे ही मतलब जस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई के की वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास वोटर है, एक मीडियम है वोटर, ठीक है, और इसके अलावा एक मीडियम हम और ले लेते हैं जिसको हम मान सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन और एक मीडियम हाइड्रोजन। वोटर मीडियम में दो चार्जेस Q1 और Q2 रखे हुए हैं आर डिस्टेंस इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दो चार्जेस के बीच में लग रहा है क्योंकि वोटर मीडियम है। अब यहां पे देखें, अगर यही चार्जेस को हम सेम डिस्टेंस, सेम चार्जेस हैं और सेम डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इनके बीच में, तो हमने मतलब हाइड्रोजन मीडियम में इन दो चार्जेस को रखा तो इतना फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इन दोनों चार्जेस को, सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस लेके और वोटर मीडियम में रखते हैं तो ये इतना फोर्स लग रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि यही चार्ज के बीच में वोटर में ज्यादा फोर्स फील करेंगे ये दो चार्जेस, या फिर हाइड्रोजन के अंदर फोर्स फील करेंगे, ये बताना है। अब देखो मैंने क्या, इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब आपको सबसे पहले देखनी पड़ेगी कि वोटर की के की वैल्यू कितनी होती है और हाइड्रोजन की के की वैल्यू कितनी होती है। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है कि जो के की वैल्यू वोटर यानी वोटर मीडियम के लिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है वो वेरी ग्रेटर होता है किसे, किसे, हाइड्रोजन से। जैसा कि मैंने प्रीवियस आपको टेबल लिखवाई थी, उस टेबल में आप देख रहे थे कि हाइड्रोजन की जो आपके पास के की वैल्यू है वो 1.00026 थी और वोटर के लिए के की वैल्यू मतलब के मतलब डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू थी 80 यानी 80, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गई, यानी के की वैल्यू हाइड्रोजन की वैल्यू से ज्यादा है। अब आपको पता है वोटर की के की वैल्यू ज्यादा है, अब अगर जिसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी उसका फोर्स, देखो के की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा, तो लेस देन का सिंबल सही रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन की के की वैल्यू यानी हाइड्रोजन का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मेरे बच्चो कैसा होता है, कम होता है, तो फोर्स होगा ज्यादा। तो यहां पे आप समझ गए, इन दो फोर्सेस, इन दो मतलब इन दो चार्जेस को अगर हम वोटर में रखेंगे फिर हाइड्रोजन में रखेंगे तो जो फोर्स फील करेगा हमारा, ये दोनों चार्जेस फोर्स फील करेंगे वो हाइड्रोजन में ज्यादा करेंगे और वोटर में कम करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में अगर चार्जेस को रखा जाए तो वो मीडियम जो है डिफरेंट डिफरेंट यानी अलग अलग वैल्यू के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करेंगे, तो इसका मतलब कि हर मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर जो है इफेक्ट पड़ता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आ गया, और जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक कीजिए और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।